हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हमारे पास जरा सा बुरा न्यूज़ है कि मेरे बहुत सारे वॉल्स करप्ट हो गए और जो मेरा सर्वाइवल वॉल भी जरा करप्ट सा हो गया और वो नहीं खुल रहा, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो आज हम नया सर्वाइवल वॉल नहीं खोलने वाले बल्कि कुछ अलग करने वाले। मेरे पास बहुत सालों से क्रिएटिव वॉल था जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन आज वो दिन आ गया है वो वॉल दिखाने के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। करते भी स्टार्टिंग सेटिंग्स खोल रहा हूँ। पहले ये लो, फिर खोल रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना यूआई क्लासिक में बदल दिया जिससे पूरा इफेक्ट से आ रहा है जावा एडिशन का, लेकिन ये जावा एडिशन है नहीं। जैसे इधर एक ड्राउन का आवाज बहुत आ रहा है, चलो मरते ड्राउन को अपने ही हटते ऐसे जान गया वो ड्राउन। ड्राउन के बच्चे मारूंगा ना तुझे। ये रहा ड्राउन, उसी के ही हथियार से मैं ड्राउन को मारू। साउंड कर रहे हैं ना जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये ले, अब मुझे बातें करना नहीं आता तो भी एक ले जा ज़्यादा होता है रिकॉर्डिंग करने के बाद परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तब बिना किसी देरी के आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ। अरे लैग क्यों हो रहा है? तो कोई बात नहीं। तो इधर मेरे कुछ फार्म्स है, लेकिन इन फार्म्स को देखना नहीं है क्योंकि ये फार्म्स तत्ती है तत्ती। ये जरा कंप्लीट नहीं किया, छत नहीं डलवाया मैंने इधर। और ये देखो, ये है मेरा लेजेंडरी सबसे बेस्ट डोर रेस्टोरेंट वाला खोलता हूँ। उसे बहुत देर लगा था इसे खोलने में, लेकिन बंद करने में बिल्कुल भी देर नहीं। तो इधर आप अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं खुद को सा बिकन, एक काफी अच्छा सा सुगरकेन फार्म। भाई साहब एक डबल जस्ट फुल कर दिया इस सुगरकेन का सेम फार्म में। अभी ये तो मेरा वीट फार्म है, वीट फार्म में कुछ है नहीं, इसने एक डबल जस्ट फुल तो नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखो, ये मेरा है बेसन फार्म, काफी अच्छे से काम कर रहा है। इधर कलेक्शन सिस्टम है, कलेक्शन सिस्टम से इधर नीचे हॉपर में जाता है। मैंने इसे इतना ज़्यादा काम नहीं किया। ये मेरा कोबल स्टोन फार्म और ये मेरा स्टोन फार्म। और ये कोबल स्टोन फार्म में डी जनरेटिंग बॉल्स की तरह है, देखना भी कैसे रीजनर करेगा। एक्चुअली एक ये नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ना है तो वो कैसे रीजनर करवाने के लिए। हाँ ये है ना बात बस। तो चलो चिंता में घर से के ऊपर के फ्लोर को इधर एक पिक्चर। हाँ मैं अच्छा सा वो मारेंगे अभी, बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। गुड ऐसा मिलता है ऐसे पिच को तो करने में वो पिच भाग जाएंगे। भागो मत, मारूंगा नहीं तो। हाँ ये वो ना बात, अच्छे पिक्स के तरह अंदर रहो तो दौड़ मारूंगा। क्रिएटिव में भी फ्रेंड्स को हम कूद के जा नहीं सकते, क्या फायदा क्रिएटिव का। इधर भी एक इधर एक लैंडन, इधर तो छत्ती है हमारे लाइट का सोर्स। ये देखो एक अच्छा सा सीप फार्म, फ्लावर फार्म,
फ्लावर फार्म को तो चला के दिखाना पड़ेगा ना। ये देखो फ्लावर आ गया और अब हम इसे ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट कर सकते और इस फार्म के अंदर डाल सकते। मैंने काफी फार्मिंग किया है अभी अभी तक। देखते हैं लंदन को तोड़ पाते हैं। तोड़ दिया। भाई ये फार्म तो लंदन को भी तोड़ देता। तो उस घर में बस इतना ही था शायद। हाँ उतना ही था। इस घर को मैं और भी अपग्रेड करूँगा थोड़ा सा। लैग क्यों हो रहा है यार आज? कब से लैग ही हो रहा है। लैग लैग लैग। और ये मेरा लैब है ऑब्जर्वेटरी। इधर देख सकते हो एक अच्छा सा लैब है। सब कुछ कंप्यूटर वगैरह वगैरह रख भी ढेर सारे रखे ढेर सारे बहुत ज्यादा ढेर सारे। इधर हम ऑब्जर्वेटरी में आके सूरज देवता को देख भी सकते हैं और अपना आँख खराब भी कर सकते हैं। फिर से नीचे जाके लाग 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 और ये देखिए एक निशानेबाजी करने के लिए। ये अभी तक ऑन क्यों है पता नहीं। छोड़ो इस निशान की बाजी को। और इधर क्या है देख मेरा टूटा फूटा सा रेडस्टोन का डोर। वाह एक और घर जिसका छत नहीं है लेकिन इसमें एक ऑटोमेटिक एक ऑन ऑफ होने वाला रेडस्टोन का पोर्टल भी है। हाँ ये ऑन हो गया। अब ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये एक बहुत बुरा सा दिखने वाला सुपर स्मेल्टर है जो कि काम भी नहीं करता। और ये हमारा इंटरनिंग वाला एरिया है। तो मुझे कैसा लगा मेरा इंटरनिंग वाला एरिया? अब मेरे की इंटरनिंग वाले एरिया से दांत बन चाहिए। प्रेशर प्लेट से हाथ उठ गए। ये सब गायब हो गए। अभी इधर कुछ लेदर का सिस्टम नहीं इसलिए मैं इसे ऊपर जाने तो पड़ता है हमारे रसोई घर को। लेकिन रसोई घर में लेदर का सिस्टम और इस लेदर के सिस्टम से हम ऊपर जाएंगे। ऊपर मैंने कुछ बनाया नहीं। और इस घर का सबसे मेन पार्ट जो कि इसका दरवाजा रेडस्टोन दो थ्री बाय थ्री तो सुकून है ना। तो जल्दी बंद हो रहा है। और देखते हैं क्या है मेरे वॉल में। ये दिखा दिया ये दिखा दिया और यही बाकी है। ये गंदा सा चीज। ये लो आते ही कितना सारा फर्नीचर मैंने रख लिया इधर। देखो जस्ट ही जस्ट फर्नेस ही फर्नेस चीजें ही चीजें। और ये हमारा टेबल ऊपर फ्लोर में। ये बेडरूम है ऊपर का फ्लोर। और बाकी को कुछ नहीं है। सिर्फ दिखने में अच्छे अंदर से कुछ अच्छा नहीं देखा। सिर्फ दिखने भी बाहर से उतना अच्छा नहीं है। तो चलो और क्या तो होगा ना तो होगा। हाँ रेलवे वाला ये तो मेरे पास है। ये रेलवे का रोलर कोस्टर है मेरे पास। रोलर कोस्टर जल्दी से दूर को हम जरा हटा देते हैं और रोलर कोस्टर को सीधे लगा देते हैं। तो ये लोग मलगज जरा ले लेते हैं। फार्मेसिस के वाला था मैं। और मलगज को
चीज के अंदर डाल लेते हैं। उसके पहले हम इसमें बूटन लगाएंगे, बूटन। और अगर आप लोग तो गेस कर सकते हो कि माइनक्राफ्ट वाला सिस्टम हमें कहाँ तक लेके जाएगा, तो गेस कर लो कमेंट्स में, बताओ बताओ ना कि सब मैं इन्वेंटरी के पिछले वाले पार्ट में रख देता हूँ क्योंकि कोई जरूरत नहीं इसकी। और हमारा ये माइनक्राफ्ट आ गया है और चला है। ये और ये आया ना मजा, ये कितना लंबा है यार। अरे हम ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे, अरे नीचे क्यों जा रहे, नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ये इधर है सिलेंडर विलेज, ये विलेज मैंने ढूंढा था। डायमंड्स की भी जरा खोज कर लेते हैं। और आजकल आइटम क्या रखे क्या रखे क्या रखे, आजकल आइटम होगा डायमंड्स। भाई डायमंड्स डायमंड्स डायमंड्स, पिकेक्स लाओ रे पिकेक्स। भाई कितने सारे डायमंड्स हो गए, भाई कितने सारे डायमंड्स, वाह। तो गाइस मैं डायमंड का थोन भी बना लेता हूँ। थोन 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 हो गया गाइस, ये जरा लगाओ इधर, ये जरा लगाओ इधर, और हो गया डायमंड का थ्रोन। अब जरा ये सब जरा डायमंड सब मीरों की तरफ फेंकते इधर उधर। अब पुणे अमीर, पुणे अमीर मेरा, पुणे अमीर ये मैं हूँ, एक अमीर मैं हूँ, पुणे अमीर। तो ये वाला वॉल तो हो गया है, तो चलो एक दूसरे वाले वॉल को और चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले जरा खुद को देख लेते, वाह नाइस। अब फिर से वीडियो को करते हैं। चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले वर्ल्ड को। अब वो वाला इधर होना चाहिए, हाँ ये वाला, इसी वाले वाले की बात तो मैं कर रहा था। बढ़ेगा जल्दी बढ़ेगा, और शायद बिहाइंड से कुछ साउंड आ रहे हैं, तो साउंड आप कृपा करके इग्नोर कर देना। चलो निंजा टेक्निक यूज करता हूँ, रेड छक छंग छंग छंग। अब डिम भी कर देता हूँ, टाइम सदे छंग छंग छंग। और गाइस देखो कैसा लगा ये वाला घर, बहुत अच्छा है ना, मेरा वेदर एक्सपोर्ट भी घर का मौसम ज्यादा लग रहा है।
तो इधर अंदर का तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर का भी देख लेते जाके। चलो ऊपर चलता है, ऊपर 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 ऊपर। जरा कुछ किया नहीं, पूरा खाली है, सोना सोना लग रहा है। लेकिन ये मॉब्स की आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है, बाहर से मॉब्स कुछ। ये ले जा, ओके, वही अकेला था सर। तो गाइज ये वाला घर आपको कैसा लगा? और मैं लो मेरे उस दूसरे वाले ने क्रिएटिव वर्ल्ड के मैं और कुछ बिल्ड्स करने के लिए कुछ सजेशन भी दीजिए, और उस वाले वो बल्कि बिल्ड्स भी आपको कैसे लगे वो भी आप कमेंट्स में ज़रा आपकी राय बता देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।